छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. Kills you. ये कैमरा, ये पिस्टल, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है तुम्हें? इस होटल में सिर्फ डू नॉट डिस्टर्ब साइन से काम नहीं चलता. क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि मुझे दो तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती. एक वो जो मेरे पास आने में बहुत देर लगाए, और दूसरी वो जो बहुत जल्दी आ जाए. और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ गई. हाँ, क्या नाम बताया तुमने अपना? सोनिया. सोनिया. यस सोनिया, हमारे मिलने और तुम्हारे यहां मेरे साथ इस होटल रूम में होने के बीच सिर्फ आधे घंटे का फर्क है. वो इसलिए कि तुम्हें देखकर ऐसे लगा जैसे मुझे तुम्हारी तलाश थी. रोमांटिक बातें मुझे बहुत बोर करती हैं. सॉरी. Shall I get it? No, it's mine. Why don't you go inside and get into something more comfortable? Sure. कुछ और पहनने के लिए नहीं है. जानता हूं. किससे बात कर रहे थे? आई एम सॉरी. वो मेरी आंटी से. जरा लेट हो जाती हूँ तो खामखा परेशान हो जाती है. उन्हें सच भी तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ. अगली बार अपनी आंटी को भी साथ लेती आना. She's not your type, Don. Oh, yes. इतनी जल्दी क्या है? इसके अलावा मुझे रोकने के लिए यहाँ रखा है क्या है? Yeah.
बाहर तुम्हारी आंटी बहुत सारे अंकल्स को लेकर आई, इस फैमिली रियूनियन की वजह जान सकता हूं? रमेश मेरा मंगेतर था। आ, उसने तुम्हारे बारे में कभी जिक्र नहीं किया। वैसे अब समझ सकता हूं क्यों। इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू। पिस्तौल खाली है। आ, यू राइट। चलो, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। रियली? यू नो व्हाट, ये तुम जानती हो कि ये पिस्तौल खाली, मैं जानता हूं कि ये पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये पिस्तौल खाली है। एंड यू वेट फॉर माय कॉल, इज दैट अंडरस्टूड? या सर। वर्मा, hold it right there. Surprise, surprise. Please, officers, आप सब अपनी अपनी बंदूक के नीचे कर लीजिए, वरना। डॉन, अकलमंदी इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। I don't think so. I think अकलमंदी आप सबके पीछे हट जाने में होगी। मैं आखिरी बार कहूंगा, फिर मजबूरन मुझे। Okay, down. God, God, nice and easy, everyone down and move back a little more. मैं सिर्फ यहां से निकलना चाहता हूं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो ये लड़की आपका एहसान जिंदगी के बाद नहीं भूलेगी। थैंक यू। सलामत मलम जेंटलमैन। आई एम सो अपसेट विद रमेश। पहले जरा लिफ्ट बुला दीजिए फॉर द लेडी। कम क्विकली क्विकली। देखो, मैं बिल्कुल नहीं आता हूं। अगर मैं तुम्हें रोकना चाहूं भी तो नहीं रोक सकता। इस लड़की को छोड़ दो। एक बार यहां से निकल जाओ तो जरूर छोड़ दूंगा। ट्रस्ट मी। हे, नो! आई डैम इट! वर्मा! सवाल जवाब बाद में, अभी मुझे यहाँ से निकलना है। पिस्तौल नीचे करो, तुम जानती नहीं कौन हूँ मैं। नारायण साहब, पुलिस। Put your hands up and step out of the car. Out of the car. विक्रम, चलो चलो। हाँ विक्रम, बोलो। अच्छा ठीक है, चलो रोमा। गो अहेड नारंग,
मुझे इस लड़की से कोई खतरा नहीं। पुलिस तुम्हारे पीछे है। वजह? मुझ पर खून का इल्जाम है। लेकिन हमेशा की तरह सच कुछ और है, राइट? रॉन्ग, ये इल्जाम सही है। नाम क्या था उसका? राजीव, मेरी बहन का पति था। काफी बुरा लगा होगा तुम्हारी बहन को। वो इस दुनिया में नहीं है। He killed him. So you killed him. Good. मुझसे क्या चाहती हो? कुछ नहीं। नारंग साहब ने कहा था। नारंग, come closer. Come on. You know what I think? I think Narang अपने दूसरे कामों के साथ अब ऐसा कोई नया धंधा शुरू करना चाहता है जो very good. मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? She tried to kill me. Relax, Narang. आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। Thank you, darling. इंडिया से जयराज का फोन आया था। उसे और कोकीन चाहिए। जानता। बात हुई जयराज से? हाँ, वैसे मैंने उसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सिंघानिया साहब ने जो दाम हमें बोला है तुम उससे कहीं ज्यादा मांग रहा। नारंग, इस डील से हमें करोड़ों का फायदा हो रहा है। क्या तुम्हें इतनी बड़ी रकम पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं, सिंघानिया साहब का। फैसला सिंघानिया करता है, काम मैं करता हूं। तो तुम क्या करते हो? मैं बच्चों जैसी बातें नहीं करता हूं। इतना गरूर अच्छा नहीं है, और ये मत भूलो कि ये बिजनेस उन्हीं का बनाया हुआ है। तो फिर उससे कहो कि वो खुद आकर इसे संभाले। क्या है ये? तुम्हारी शादी का डीवीडी। इस डिस्क पर हमारे सारे बिजनेस और कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन है। अगली बार जब सिंघानिया साहब यहां पर आए तो तुम उन्हें दे देना। डॉन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा इरादा गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है। मुझे जहां पहुंचना है उसके लिए ये रफ्तार बहुत जरूरी है। वहां पहुंचने के लिए अपने दोस्तों को दुश्मन बनाने की गलती मत कर बैठ। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो डॉन का दुश्मन है।